पुष्कर मेला प्रतियोगिताओं के साथ अपने परवान पर ऊंट श्रृंगार और नृत्य से बनी छटा देशी विदेशी सैलानियों का लगाता था। विदेशियों को करवाया गया ग्रामीण अंचल के खेलों से रूबरू। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला धीरे धीरे अपने पूरे स्वभाव की ओर बढ़ रहा है। मेला स्टेडियम में दूसरे दिन राजस्थानी संस्कृति को साकार करती प्रतियोगिताओं में देशी विदेशी सैलानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर्वप्रथम सतोलिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसके बाद गिल्ली डंडा प्रतियोगिता में विदेशियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुष्कर मेले में इन ग्रामीण अंचल के खेलों से विदेशी पर्यटकों का पुष्कर मेले में इन ग्रामीण अंचल के खेलों से विदेशी पर्यटकों को रूबरू करवाया गया। पर्यटक भी इन खेलों को समझकर काफी उत्साहित नजर आए। पुष्कर मेला मैदान में सतोलिया और गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हार के बावजूद विदेशी सैलानियों ने अपनी छाप छोड़ी। देशी खिलाड़ियों ने विदेशी टीम को हराकर अपना लोहा मनवाया। इसी तरह लंगड़ी डांग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसका अधिकतर मेलार्थियों ने लुत्फ उठाया। इन प्रतियोगिता में दो विदेशी खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। इन परंपरागत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विदेशी सैलानियों का कहना था कि इनके लिए यह अनुभव कभी न भूलने वाला है। मेला मैदान पर जो दृश्य था उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरब और पश्चिम का ऐतिहासिक मिलन हुआ हो। लंगड़ी डांग प्रतियोगिता में दो विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपनी जीत दर्ज की। राजस्थान की संस्कृति को साकार करने के लिए ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें ऊंट पालकों ने अपने अपने ऊंटों को बेशुमार श्रृंगारित कर ढोल नगाड़ों पर ठुमके लगवाए। इसी प्रकार ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में रेगिस्तान के जहाज ने अपनी अदाओं और ठुमकों से देशी विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मेला मजिस्ट्रेट ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ नगद राशि देकर पुरस्कृत भी किया। आज श्री पुष्कर पशु मेला के दूसरे दिन दिनांक 10/11/24 को मेला मैदान में पशु प्रतियोगिता आयोजन की गई, जिसमें सबसे पहले लंगड़ी डांग प्रतियोगिता आयोजन की गई, जो कि महिलाओं के लिए थी। स्थानीय व विदेशी सभी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें एक बहुत अच्छी बात रही कि हमारे प्रथम और द्वितीय स्थान पर दोनों ही जगह हमारे विदेशी मेहमानों ने बाजी मारी। प्रथम स्थान पर बैकेल फ्रॉम यूके एंड सेकेंड स्थान पर कावा फ्रॉम जापान ने बाजी मारी। इनको प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देके प्रशस्ति पत्र दिया गया। उसके बाद बहुत ही रोमांचक सतोलिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्थानीय व विदेशी मेहमानों ने दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें हमारी स्थानीय टीम 3-0 से विजयी रही। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। विदेशी मेहमानों ने सतोलिया को एक पारंपरिक खेल को बहुत ही मुस्तैदी से लुत्फ उठाया इस चीज़ का। इसके बाद हमारा सबसे पौराणिक गेम गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी स्थानीय टीम विजयी रही। इसमें भी साथ साथ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इसमें भी हमारे विदेशी मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद हमारे पर्यटन विभाग की ओर से ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता व ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान पर श्री शिशुपाल जी, द्वितीय स्थान पर श्री विजय सिंह जी और तृतीय स्थान श्री अशोक राज ने प्राप्त किया। और राम जी कुचामन सिटी वालों ने, द्वितीय स्थान श्री प्रभु सिंह जी झाडोल डीडवाना वालों ने और तृतीय स्थान श्री विजेंद्र सिंह गणपत सिंह सीकर वालों ने प्राप्त किया। और सभी स्थानीय विदेशी मेहमानों ने ऊंट नृत्य व ऊंट सजावट का बहुत ही जमकर लुत्फ उठाया और आज के प्रतियोगिता बहुत बढ़िया हुई।